और मेरे भाई लोग कैसे हो, तो एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे जो आपको ग्लेशियर निकालना है क्लासिक क्रेट से। जी हाँ गाइस, कुछ ट्रिक्स मैं ऐसे बताऊंगा जिस ट्रिक को आप यूज करके जो है क्लासिक क्रेट से ग्लेशियर निकाल सकते हो। जी हाँ गाइस, अब गाइस मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद निकाल चुका हूँ। जी हाँ गाइस, एक बार नहीं दो दो बार निकाल चुका हूँ उसको, जो है मैंने लेवल 2 भी कर लिया है। ठीक है, अब जो है मैं तीसरी बार निकालने का ट्राई करूंगा, लेकिन ये किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा निकलता है कि नहीं। लेकिन आप भी इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हो, अगर आपका जो है किस्मत चमक जाए तो ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक मैं बताऊंगा कुछ 4 स्टेप्स से। जी हाँ गाइस, कुछ 4 ट्रिक्स है, इस ट्रिक्स को आपको करना पड़ेगा। और एटलीस्ट कितने क्रेट खोलने के बाद ही जो ये मिलेगा ये भी बताऊंगा। तो वीडियो देखते रहो गाइस, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, काफी इसको पता चलने वाला है कि कैसे जो है आपको ग्लेशियर निकालना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मैं आ चुका हूं अपना मेन अकाउंट के अंदर में। यहाँ सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो है ग्लेशियर है, और अभी एक लेवल नहीं लेवल 2 का है। ठीक है, जो कि मैंने जो है फ्री में किया था। देख पा रहे हो यहाँ पे M416 लेवल 2, और मेरे पास जो है 2 बार, जी हाँ, इस 2 बार क्लासिक क्रेट से निकला था, तभी जो है मैंने इसको लेवल 2 किया है। ठीक है, लेकिन ये आपको कैसे मिलेगा उसके लिए कुछ ट्रिक्स आपको यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके जो है आपके यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं M416 ग्लेशियर निकलने के। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे सारे के सारे गन स्किन्स को आपको हटा देना है, यहाँ पे कोई भी स्किन्स लगाना नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे पहले बता दूँ कि यहाँ आपको हेलमेट का स्किन जितना भी स्किन्स है ना सब कुछ यहाँ हटा देना है, बैकपैक का स्किन्स भी हटा देना है, और यहाँ पे पूरा कैरेक्टर को नंगा कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक मैं बताऊंगा आप। सबसे पहले जो है हम लोग क्रेट ओपनिंग तरफ चलते हैं और यहाँ पे क्रेट ओपनिंग करते हैं, देखते हैं हम लोगों को कुछ निकलता है कि नहीं, क्योंकि मैंने सारे के सारे ट्रिक्स को यहाँ पे लगा लिया है। और उसके बाद आपको क्लासिक चलना है। क्लासिक क्रेट के अंदर आपको जो है सबसे पहले जो क्या करना है, देख ला रहे हो यहाँ पे ग्लेशियर को यहाँ पे टैप करके रखना है। ठीक है, ग्लेशियर को हमें हटाना नहीं है, टैप करके रखना है, और यहाँ पे एक क्रेट खोलना है। सबसे पहले एक क्रेट खोल देना, और यहाँ पे पूरा एनिमेशन इसको होने देना, यहाँ पे जो है इसको स्किप मत करना। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं निकलेगा, उसके बाद जो है एक साथ 10 के 10 खोल देना, क्योंकि 10 में ज़्यादा चांसेस होते हैं निकलने के। लेकिन जो है मेरे को एक बार एक सिंगल क्रेट में मिला है, एक बार जो है 10 क्रेट एक बार खोलने के बाद भी मिला था। ठीक है, दोनों करके मिला था मेरे को। तो देख पा रहे हो यहाँ पे जो क्या क्या मिलता है, देख लेते हैं हम लोग। तो पहला यहाँ पे मुझे मिल चुका है, ठीक है, ये चीज़ी रेकर कवर मुझे मिल चुका है। अब देखते हैं हम लोग और क्या मिलता है। तो पहला लेजेंड तो एक मिल चुका है मेरे को, तो यहाँ पे आपको जो है क्रॉस कर देना है। ठीक है, क्रॉस कर देने के बाद आपको यहाँ सेंड कर देना। अब यहाँ पे ना आप सिंपल जो है यहाँ पे अपना कैरेक्टर जो है उसको चेंज कर लेना, अब जो भी कैरेक्टर है उसको चेंज कर लेना, और जो है यहाँ पे आपको वेक्टर ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर लेके आप जो पूरा गरीब बन जाना है आपको, और कोई भी आउटफिट्स नहीं लेना है यहाँ। उसके बाद जो है शॉप में जाना है, शॉप में जाने के बाद आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको जो है गन्स में जाना पड़ेगा, वेपन्स में। अब यहाँ पे ना आपको सिंपल नीचे आ जाना पड़ेगा, यहाँ पे जो है इसको आपको दिल हटा देना है। ठीक है, अगर आपका दिल रहेगा ना यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे आपको दिल दोनों में जो है हटा देना है, अब यहाँ पे दिल रखना नहीं है। ठीक है, ये चीज़ को कर लेना गाइस। ये चीज़ कर लेने के बाद आपको जो है सिंपल क्रेट को ओपन करना है, और जाके क्लासिक क्रेट फिर से खोलना है। ठीक है, उससे पहले गाइस एक और चीज़ कर सकते हो, अब यहाँ पे सोल्जर क्रेट जाके खोल सकते हो। तो यहाँ पे आराम से जो है आप 1-2 सोल्जर क्रेट खोल सकते हो। खोल देने के बाद क्या होगा कि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, सो स्किप कर लेते हैं, एक तो खोलने से भी हो जाएगा, जो हम यहाँ पे आप खोल सकते हो। अब यहाँ पे जो है डायरेक्ट क्लासिक क्रेट को खोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट आप जो है इस ग्लेशियर को टैप कर देना, 1-2 बार टैप करना, और इसको हाथ में रहने देना। ठीक है, फिर से वही ट्रिक लगाना, एक क्रेट खोलना, उसके बाद जो है 10 एक साथ खोलना, क्योंकि मुझे जो है यही ट्रिक लगा कि मुझे मिला था गाइस, एग्जैक्टली मैंने यही चीज़ किया था और मुझे जो है ग्लेशियर मिल गया था, और एक बार नहीं 2-2 बार मिला है। तो बताना गाइस आपके पास ग्लेशियर है कि नहीं, या फिर जो है आपको इस ट्रिक से ग्लेशियर मिला है कि नहीं, जरूर बताना कमेंट्स के अंदर में। गाइस थोड़ा सा लाइक कमेंट कर दिया करो, क्योंकि ऐसे से ट्रिक्स बहुत कम आते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कुछ नहीं मिला अभी तक, तो ये वाला जो है कुछ नहीं मिला मेरे को। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, फिर से जो है अपना कैरेक्टर को चेंज कर लेना है। यहाँ पे आपको कैरेक्टर जो है घुमाते रहना पड़ेगा, क्योंकि एक कैरेक्टर से ना बहुत बार कुछ नहीं निकलता है। ठीक है, आपको जो है दूसरा कैरेक्टर ले लेना है। तो यहाँ पे जो है आपको सिंपल सा कैरेक्टर ले लेना है। ठीक है, तो यूज़ कर लेना है। अब कर लेने के बाद आपको जो है सिंपल कैरेक्टर को लेके भी जो है क्रेट ओपनिंग करना पड़ेगा। ज़्यादातर चांसेस आते हैं कि एक बार में जो है आपका जो है ऊपर 10 क्रेट्स में निकल जाए, लेकिन अब देखते हैं हम लोग जो 10 क्रेट्स में निकलता है कि नहीं। मुश्किल चांसेस है, जल्दी निकलता भी नहीं है बहुत बार। मेरा जो है 10 में ही निकला था एक बार जो सिंगल में निकला था। अब देखते हैं हम लोग को निकलता है कि नहीं। तो ये पहला क्रेट खोल दिया मैंने 10 एक साथ, अब देखते हैं। अब एटलीस्ट आपको जो है 50 से ऊपर क्रेट रखना पड़ेगा, तभी जाके जो है कुछ चांसेस बनते हैं क्रेट ओपनिंग में ग्लेशियर निकलने के। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं निकला, वापस हम लोग जो है एक एक करके खोलने वाले हैं। तो यहाँ पे 1-2 बार स्किप भी कर सकते हो।
गाइस अभी तक मैंने अभी जो जो ट्रिक्स बताया ना ये सारे ट्रिक्स के अंदर आपको निकलेगा और एटलीस्ट जो है 50 से 100, जी हाँ 50 से 100 क्रेडिट्स आपका रहना पड़ेगा तभी जाके आपको जो है यहाँ पे कुछ खास निकलेगा, वरना जो यहाँ पे कुछ भी खास नहीं निकलने वाला। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने जो है 59 क्रेडिट्स खोले थे, उसके बाद जो है मेरे यहाँ पे निकलने का चांसेस थोड़ा बढ़ सकता है, वरना नहीं भी हो सकता ये। ठीक है, ज़्यादा चांसेस है नहीं निकलने का, अब देखते हैं हम लोग निकलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे एक तो बैकपैक स्किन मिल चुका है यहाँ पे नॉक्टस सोवरेन, तो फिलहाल के लिए तो एक तो ट्रिक काम कर चुका है ये कैरेक्टर चेंज करने वाला। ये कैरेक्टर चेंज करने वाला ट्रिक जो है आप भी यूज़ कर सकते हो और आपको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ अच्छे फिर चलते हैं हम लोग, फिलहाल तो इससे निकल रहा मेरा। हम यहाँ पे एक एक करके 3 और खोल लेते हैं। Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. अब गाइस यहाँ पे लास्ट 10 खोलने वाले हैं और उस लास्ट 10 खोलने से पहले हम लोग जो है यहाँ पे वेक्टर को ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट 10 खोलने वाले हम लोग, देखते हैं हम लोग कुछ खास निकलता है कि नहीं, कि हम लोग जो है एक और ग्लेशियर निकल पाता है कि नहीं। ये स्किप किया मैंने, यहाँ पे कुछ नहीं निकलता है हम लोग का, देख सकते हो कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो आप बताना गाइस कि ये ट्रिक्स आपका निकला है कि नहीं, मुझे तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है लेवल 2 2 बार मुझे ऑलरेडी पबजी मोबाइल ने बीजीएमआई ने फ्री में दे चुका है। एक बार मुझे बहुत पहले पबजी में मिला था और अभी जो है एक बार बीजीएमआई मिल चुका है। ठीक है, तो आप बताना गाइस कि आपको मिला है कि नहीं, जरूर बताना कमेंट के अंदर में। और इस तरीके के ट्रिक्स और चाहिए तो बताना कमेंट्स के अंदर, मैं आपको जो है ट्रिक्स लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे। My wrist, baby, make a wish.